हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल टाइटेनियम क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एरिया ऑफ सर्कल। पढ़ा था हमने पीछे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें अब तक हमने कॉन्टीन्यूसली 7 लेक्चर्स अपलोड करे हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है। और उसी परिश्रम की दौड़ में, उसी रेस में आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल जितने भी फिगर होते हैं उनके पेरीमीटर को कैसे निकाला जाता है, उनको कैसे समझा जाता है और पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है। उम्मीद है आप सभी लोग चैनल से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। बायो और मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसको आप अच्छे से देख रहे होंगे और अपनी सेहत, अपनी पढ़ाई और अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे और मैथमेटिक्स को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे, आइए शुरू करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेरीमीटर ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने जो है वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। बहुत तेजी के साथ शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर के पेरीमीटर की हमें बात करनी है। बच्चों, जब भी कोई पेरीमीटर कहता है तो पेरीमीटर जब वो कहता है तो वो ये पूछना चाह रहा होता है कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि इस किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर की जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द 2 डायमेंशनल फिगर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर की, तो हमारे पास कितने फिगर होते हैं? हमारे पास रेक्टेंगल होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है, हमारे पास ट्राइंगल होता है, हमारे पास सर्कल होता है। इन्हीं के पेरीमीटर्स की हमें बात करनी है। तो पेरीमीटर का जो बेसिक मीनिंग आती है, पेरीमीटर बोले तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी 2 डायमेंशनल फिगर, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर की टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होती है उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर ऑफ एनी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पेरीमीटर हो गया, हमने समझ लिया कि बाउंड्री की टोटल लेंथ की हमसे बात करनी है। पेरीमीटर का जो सिंबल हमने बनाया, इट इज डिनोटेड बाय पी। इसका जो पहला अक्षर है उससे हमने इसको डिनोट किया। डिनोट करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इट इज अ लेंथ। ये एक लेंथ होती है, इट इज अ लेंथ, ये एक लेंथ होती है, लंबाई होती है। और जब ये लंबाई होती है तो इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू यूनिट ऑफ लेंथ। जो भी यूनिट होगी लेंथ की, वही यूनिट होगी पेरीमीटर की। समझ गए होंगे? ठीक है। हाँ, मुझे पता है आपको फिगर से समझना है, मगर मैं जो बता रहा हूं वो समझे आप। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी 2 डायमेंशनल फिगर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट 2 डायमेंशनल फिगर। डिनोट करते हैं पेरीमीटर को पी से। पेरीमीटर एक लेंथ होता है, इसीलिए जब इसकी यूनिट लिखी जाती है तो लेंथ की यूनिट लिखती जाती है। एक बात और यहीं पे बताता चलूं मैं,
पेरीमीटर के हाफ को अगर हम पेरीमीटर निकालें, मान लीजिए किसी बाउंड्री की लेंथ हमने मापी, नाप ली, मीजर करी और मीजरमेंट ने हमें बताया कि इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ दैट ज्योमेट्री 10 सेंटीमीटर हो गया। मगर जब उसका हाफ निकालने के लिए कोई हमसे कहेगा तो उसका आधा कर देंगे। अब मुझे बताएं 10 का हाफ कितना होता है, 10 का हाफ कितना होता है, 5। तो 5 इसका जो आएगा वो हाफ पेरीमीटर होगा और हाफ पेरीमीटर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, सब पेरीमीटर, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज कॉल्ड सब पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज कॉल्ड सब पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ जो होता है बच्चों वो सब पेरीमीटर कहलाता है। अब इसको भी हमने सब पेरीमीटर के लिए भी एक सिंबल बनाया है। इसका जो सिंबल हमने बनाया है वो होता है बच्चों S, ओके, सब पेरीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन से मैं आपको अवगत करा रहा था। अब शॉर्ट स्क्रीन ने बड़ी तेजी के साथ कॉपी और पेन निकाल के बैठा करें और कमरे को दरवाजे को बंद कर दिया करें, भाइयों और बहनों से लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया करें, एकांत में बैठ के वीडियो देखा करें और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें। ये डेफिनेशन आप नोट करें अपने नोटबुक में, शॉर्ट स्क्रीन ले और बाद में लिखें। शॉर्ट स्क्रीन ले के मोबाइल की मेमोरी फुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नोटबुक में उतार लिया करें और शॉर्ट स्क्रीन डिलीट कर दिया करें। पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स इसके मिल जाएंगे। मगर अपनी नोट बनाएं, खुद की नोट बहुत बेस्ट होती है, ठीक है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, समझ गए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, चलें ओके। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ पेरीमीटर्स की और उनको निकाल के देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहला फिगर हमारे सामने आता है जिसकी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, रेक्टेंगल। सबसे पहला फिगर हमारे पास आता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, सबसे पहला आता है रेक्टेंगल, ठीक है। हिंदी में इसको आयत बोलते हैं, पीछे हमने वीडियो डाल रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे टाइप करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 04 टाइटेनियम क्लासेस, आपको वो मिल जाएगा। टाइटेनियम क्लासेस के वीडियोस इस पे पड़े हुए हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, तो मैंने बताया था रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसको हमने वहां एल माना था, इसको हमने वहां बी माना था। अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो यहां बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है और मैं स्पीड को थोड़ा सा आगे रखूंगा। तो ये अगर बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि दोनों लेंथ बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये अगर यल है तो ये भी यल होगा, ये बातें मैंने वहां पर कर ली थी। और अगर आपको याद हो तो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी हमने कहा था। अब हमसे वो कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, पेरीमीटर का सिंबल पी, किसका निकालना है हमें, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा बाउंड्री क्या है, ए बी सी डी, बाउंड्री क्या है जल्दी बोलो, बाउंड्री कहां से कहां तक, बाउंड्री है आपकी ए से बी से सी से डी से ए, ए से बी से सी से डी से ए, ए बी सी डी ए, ये जो है ये इसकी क्या है बच्चों, बाउंड्री है। ये इसकी क्या है, ये क्या है, बाउंड्री है। तो जब बाउंड्री है तो इसी की लेंथ को अगर हम लिख देंगे, जोड़ देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाउंड्री। पहली बाउंड्री का नाम ए बी, कितना दूर है, ए बी, ये पहली बाउंड्री है। दूसरी बाउंड्री बी सी, ये दूसरी बाउंड्री है। तीसरी बाउंड्री सी डी, ये तीसरी बाउंड्री हो गई सी डी। चौथी बाउंड्री कौन सी है, डी ए, कौन सी है, डी ए। तो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, समझ में आया, साफ समझ में आ गया इमरान साहब, साफ समझ में आ गया, ओके। ए बी, ए बी, ए बी मतलब एल, बी सी, बी सी मतलब बी, ये देखो दिखा है, सी डी, सी डी मतलब एल, डी ए, डी ए मतलब बी। तो एल और एल ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पे वन है, यहां पे वन है,
ठीक है, यहां पे हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, और एलजेब्रा में जब भी वेरिएबल सेम होता है, वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसको हमने खुद से मानी है, ठीक है, हमने कंसिडर करा, दैट इज वेरिएबल। पढ़ाएंगे हम आपको एलजेब्रा तब सिखाएंगे, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में जब वेरिएबल सेम होता है तो उसके आगे की डिजिट्स जुड़ जाती हैं, और अगर आगे कोई डिजिट ना हो तो वन डिजिट कंसिडर करी जाती है, वन माना जाता है, आगे के नंबर्स जुड़ जाते हैं, अगर कोई नंबर ना हो तो उसे हम एक मान लेते हैं, वन और वन क्या हो जाएगा टू, यहां पे एल एक बार आ जाएगा, यहां पे उसी तरह से वन कंसिडर करेंगे, यहां पे वन कंसिडर करेंगे, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल होने की वजह से वन और वन ऐड हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा टू, टू यहां देखें, यहां भी टू है, यहां भी टू है। मैथ का एक कानून है, एक नियम है, एक परंपरा है, एक प्रथा है कि जब भी कोई सेम चीज दो टर्म्स के पास होती है, टर्म्स मतलब ये देखें, ये एक टर्म है और प्लस लगा के ये दूसरा टर्म है, दो सेम टर्म्स के पास अगर कोई चीज होती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, यहां आ जाएगा एल प्लस बी, ठीक है, टू और यहां पे आ जाएगा एल प्लस बी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू इंटू एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ किसकी लेंथ, किसकी लेंथ, रेक्टेंगल की, प्लस ब्रेथ, किसकी ब्रेथ, किसकी ब्रेथ, इनका स्पेलिंग मिस हो सकती है, रेक्टेंगल, ठीक है, तो रेक्टेंगल की लेंथ को रेक्टेंगल की ब्रेथ में ऐड कर दें और अगर टू कर दें तो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसी का सब पेरीमीटर निकालना है तो दो से डिवाइड कर दो, दो से डिवाइड करोगे ये खत्म हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा, ठीक है। अरे भाई अगर हम सब पेरीमीटर निकालें एस रेक्टेंगल का, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है मगर समझ लो, टू इंटू एल प्लस पी डिवाइडेड बाई टू, हाफ निकालना है ना, दो, दो से दो कट जाएगा, कितना आएगा एल प्लस पी, यानी लेंथ और ब्रेथ को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने से सब पेरीमीटर आ जाता है। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी से ले, यूनिट बता चुका हूँ लेंथ की यूनिट होगी, जल्दी ले आगे चले। ओके, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लें कहीं सूत्र की, फार्मूले की एक डायरी ले लें और फार्मूला उसी में नोट करते रहा करें। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं स्क्वायर की, यहाँ देखिए ध्यान से, स्क्वायर की बात करने जा रहे हैं, इसको याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मतलब चार, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, याद हो साइड ऑफ स्क्वायर हमने ए माना था, पीछे वीडियो फिर से बता रहा हूँ, देख ले जाके, नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिंक तलाश करें, बड़ी तेजी के साथ लिंक तलाश करें, ठीक है जी। तो ये हो गया, इस पॉइंट को हमने ए माना है, इस पॉइंट को हमने बी माना, इस पॉइंट को हमने सी माना, इस पॉइंट को हमने डी माना, बधाई हो समझ गए, ये आपका स्क्वायर है, ये भी बधाई हो समझ गए, हाँ सर सब पढ़ाया तो है सर, बाउंड्री बता दें एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, बाउंड्री क्या है भाई, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ, अब तो तुम्हें याद हो गया होगा, हाँ बोलो 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 बोलो, अरे बोलो यार कमेंट सेक्शन में लिखो, पेरी बाउंड्री की क्या है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक सर जोड़ो, ए बी ले लो, बी से सी जोड़ दो सर, इसी में बी से सी जोड़ दिया, सी से डी जोड़ दो इमरान सर, सी से डी जोड़ दिया, डी से ए जोड़ दो, डी से ए जोड़ दिया, ये क्या आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा पेरीमीटर, ए बी कितना है, ए से बी तक की लेंथ कितनी है, ए बी से सी तक की लेंथ कितनी है, ए सी से डी तक की लेंथ कितनी है सर, ए डी से ए तक कितनी है, अरे साहब कितना परेशान करोगे, ए अब जरा देखो वेरिएबल सेम है, अभी बताया पीछे, अगर वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल को एक बार लिख देते हैं और इनके आगे की डिजिट्स जोड़ देते हैं, इनके आगे की डिजिट्स कौन सी है, इनके आगे की डिजिट कहाँ है, नहीं है कुछ, कोई डिजिटें नहीं है, तो एक नंबर मान लेंगे वन, इसके आगे भी क्या मान लेंगे वन, इसके आगे भी क्या मान लेंगे वन, वन 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 वन, कितने वन, फोर वन, फोर वन अगर ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे फोर ए, इसका मतलब ये होता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछ ले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछ ले तो फोर इंटू साइड, किसकी साइड भाई, स्क्वायर की, फिर बता रहा हूँ यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट क्या बनेगी लाल लाल यूं, यूनिट बनेगी लेंथ की यूनिट। अब अगर कोई इसका बेवकूफ़ आदमी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले
तो ध्यान से देखो, इससे पहले कुछ सब पेरीमीटर निकालो, तो सब पेरीमीटर मतलब इसी को आधा कर देंगे, 4a/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into a, यानी 2 into side क्या होता है इसका, 2 into side, ये क्या होता है सब पेरीमीटर, और 4 into side क्या होता है पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर सर, पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, ठीक है ठीक है, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी करें टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है, बधाई हो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास हमें निकालना है ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर बहुत जरूरी है और ये अगले चैप्टर में भी लगेगा, इसीलिए जरूरी है। ट्राइंगल हमारे पास कई टाइप के ट्राइंगल होते हैं, अभी मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास ये ट्राइंगल है, आपको पता है ट्राइंगल सबसे लेटेस्ट पॉलीगन होता है, सबसे लीस्ट पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन होता है, पॉलीगन क्या है, वेट करें बताया जाएगा। अब जरा मुझे बाउंड्री कंफर्म करा दें, मैं भूल गया हूँ, लिखे कमेंट सेक्शन में लिखें, अरे लिखो यार मुझे पता है लिखते नहीं हो तुम लोग, वीडियो देख लेते हो, हाँ बाउंड्री सही बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ए बी सी ए से बी, बी से सी, सी से ए, सर जाएंगे तो ये बाउंड्री है, बिल्कुल सही है। तो बाउंड्री की जो लेंथ होती है वही तो पेरीमीटर होती है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, बाउंड्री की लेंथ सर, बाउंड्री है ए बी सर, ए बी सर, बाउंड्री है बी सी सर, बी सी सर, बाउंड्री है सी ए सर, सी ए हो गया, अच्छा सर, सर आपने तो बताया नहीं इसको कितना मान ले, अरे यार इसको ए मान ले भाई, इसको क्या मान ले बी मान ले, और इसको क्या मान लेते हैं सी, छोटा सा मान लेते हैं कि इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है, ए बी सी ए बी सी, हाँ मानो सर तुमको और कुछ आता हुआ है, तुमको ये ए बी सी करना आता है बस, बच्चों की जान ले लो। तो ये आया पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सब पेरीमीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीरोन्स फार्मूला हम प्रूफ करते हैं, उससे हीरोन्स फार्मूले में लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सब पेरीमीटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस किसका ट्राइंगल, ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, सब पेरीमीटर, अरे हाँ यही है सब पेरीमीटर, अरे सर गजब, ए प्लस बी प्लस सी का आप मतलब ये हुआ कि हाफ कर देना ना, हाँ जी बिल्कुल, सब पेरीमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, तारा बना लो इस पे, तारा ये तारा वो तारा 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 ये तारा वो तारा तारा तारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, सब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सबके पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, इनकर इनकर सब पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है ठीक है, ओके आगे चलूं, आगे चलते हैं भाई। अब हम आगे चलते हैं और एक लास्ट पढ़ते हैं और इसके बाद वीडियो की समाप्ति, हाँ समाप्ति का नाम कभी खत्म हो गए बाय बाय, इमरान की तो ना पढ़ाई करी, पढ़ाता रहता है कुछ भी, पढ़ाता रहता है कुछ भी, याद है यार, ये सर ये तो गोला गोला बना दिया आपने, ये तो सर्किल बनाया है सर, ये तो सर्किल बनाया है, गोलू सा नहीं बना रहा, छिच्छी कितना गंदा करता है, हाँ जी हाँ जी, तो ये आया आपका सर्कल, ओके सर्कल की यहां से यहां तक ये फिक्स्ड पॉइंट, हाँ सर पिछला वीडियो देखो, देखो पिछला वीडियो, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो देखो, हाँ देखो वीडियो नंबर 6 देखो, सर्कल समझ में आ जाएगा, ये रेडियस है, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, सर यहाँ पे एक पॉइंट मान लू, हाँ बिल्कुल मान ले, यहाँ पे सर एक पॉइंट मान लू, तुम ए ही मानना इमरान, यही ए बी सी डी रटे रहो तुम, आगे बढ़ने मत देना बच्चों को, तरक्की मत करो, ए बी सी डी ए बी सी डी पढ़ाओ पढ़ाओ, यही है ना बाबू, हाँ यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होती है, हाँ सर रेडियस होती है, इसको भी हम रेडियस कहते हैं, अच्छा याद आया, तो इसको अपन डायमीटर बोल रहे थे, यस सर, और डायमीटर का मतलब होता है 2r सर, यस सर आपने सब बताया, रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, डायमीटर सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सर्कल को 2 parts में डिवाइड करती है, दोनों पार्ट्स सेमी सर्कल कहलाते हैं, हमें पता है ना सर, हाँ ऑलवेज सेंटर से जाती है सर, याद है पढ़ के आए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो तुमको मैथ आने लगी, अच्छा जरा मेरे को बाउंड्री क्लियर कर दे भाई, बाउंड्री कौन कौन सी है, हाँ हाँ बोल बोल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे, चल बोल 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 सही बोल रहे हैं, अरे ए से बी सर यहाँ से जाऊँ तो कोई बात नहीं, सी बी सी से बी बी से ए ए से डी और डी से फिर कहाँ जाएगा, डी से सी डी से
सी, अरे कहीं से भी जाओ, एक पॉइंट उठा लो कहीं से भी जाओ, ये सर बाउंड्री है सर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरह लिखो ए से बी से सी से डी से ए, ए से बी जाऊंगा शहर, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, डी से ए जाऊंगा, तो सर मैं पूरी बाउंड्री चला जाऊंगा। हाँ जी पूरी बाउंड्री चले जाएंगे। अच्छा सर, सर ये तो मेरे को पता है, आपको यही चाहिए ना, पेरीमीटर का मतलब यही होता है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अरे सर ये पीछे वीडियो में आपने पूरा पढ़ाया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को याद करो क्या कहते हैं हम लोग, सर्कम। हाँ जी हाँ जी वेरी गुड, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला, बढ़िया है बताइए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 × πr, 2 × πr। अच्छा एक बात बता मेरे को, पाई आगे कर दूं और 2r को पीछे कर दूं, सही है, कोई मैथ का रूल तो तोड़ा नहीं मैंने। अरे भाई 4 × 3 × 7 करो तब भी वही आंसर आएगा, 4 × 7 × 3 करो तब भी वही आंसर आएगा, 7 × 3 × 4 करो तब भी वही आंसर आएगा, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। हाँ जी ये मैथ की अपनी खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैथ, एंड आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इसको। तो 2 यहाँ था, मैंने इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क, कोई मैथ का रूल नहीं तोड़ा। 2r, दिस इज d, तो ध्यान रखेंगे जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसी को हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr या पाई इंटू डी, 2πr। अरे पाई की वैल्यू कौन लिखेगा कमेंट सेक्शन में, सर मैं लिखूंगा, मैं तो पढ़ के आया हूँ, मैं पीछे वीडियो देखा है ना मैंने आपका, ध्यान रखना पीछे मैंने कहा था 3.14, अभी एक समय आएगा मैं बोलूंगा पाई की ये दोनों वैल्यू होती नहीं। क्या बोल रहे हो सर, बकवास कर रहे हो क्या है, पाई की ये वैल्यू होती नहीं, अगर क्यों, अरे कुछ भी मत बोलो, पाई की ये वैल्यू होती नहीं, पाई क्या है उसकी कहानी हम अपलोड करके देंगे। फिलहाल सर्कल की पेरीमीटर के बारे में आपने बात कर ली, इसका एरिया जल्दी बताओ, एरिया कमेंट सेक्शन में लिखा सर, बहुत बेवकूफ बना रहे हो सर, ये पढ़ाया बढ़ाया नहीं है, पाई आर स्क्वायर नहीं पढ़ाया था पीछे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, इसको माना जाता है, पाई की वैल्यू मानी जाती है, अमेरिका के सुपर कंप्यूटर की कहानी इसमें इन्वॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे। अभी मिटार दूं, सर्कल हो गया, हाँ सर आपने रेक्टेंगल करा दिया, आपने स्क्वायर करा दिया, आपने ट्रायंगल करा दिया, आपने सर्कल भी करा दिया, अब क्या कराने जा रहे हो, अब मैं कुछ नहीं कराऊंगा, अब आप इंतजार करेंगे क्योंकि आज हमने बेसिक को कंप्लीट करा है, अब इसमें एक और बेसिक कंप्लीट होगा हमारा, एक और बात हम करेंगे, पहले आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें इसका, ले लिया, वीडियो को रिवाइज कर लें। अब हम एक बात और करेंगे बच्चों, इसमें बात ये करेंगे कि इसमें एक लाएंगे यूनिट कन्वर्जन का एक लेक्चर, बच्चों को यूनिट कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होती है, तो हम एक यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे 3D ज्योमेट्री की, बेसिकली 9th की वीडियो शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चों जो बच्चे जो है देखना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ, जिनको सवालों से मतलब है, वो अब इसके आगे की एक वीडियो के बाद देखना स्टार्ट करेंगे, और जिनको बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो तक आना है वो पूरे सारे लेक्चर्स देख लें, मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड बलून से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपने पढ़ाई अच्छे से करी होगी, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, आपने नोट्स बनाई होगी, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिनके दिलो दिमाग में मैथ का डर कूट कूट के भर दिया गया है, या उन बच्चों तक ये हमारा सीरीज हमारी वीडियो पहुंचाएं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग का खर्चा सहने के अंदर उनके अंदर इस्तेतात नहीं है, उनके अंदर ताकत पावर नहीं है, उन बच्चों तक पहुंचाएं। हम एक रिवोल्यूशन लाए हैं जिसमें हम कंटिन्यूअसली 9th की मैथमेटिक्स और उसके बाद 10th की मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब अपलोड करेंगे, मगर थोड़ा सा वक्त चाहिए और मैनेज करने में सब कुछ बहुत वक्त लगता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।